हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो दोस्तों, पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल दे पेपर लई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनस लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई। इस क्लास दे विच टॉप 20 क्वेश्चनस रहने वाले ने। नाल दी नाल तुसीं क्वेश्चनां दा आंसर देने की कोशिश करनी है ते क्लास दे एंड दे विच कमेंट करके जरूर दसना कि इन्हां 20 क्वेश्चनस दे विचों तुहाडे किन्ने क्वेश्चन सही ने गे। तो देखो 20 दे विचों जेकर 18 क्वेश्चन तुहाडे सही चले जांदे ने तां तुहाडी तैयारी बहुत वधिया चलदी पई है। बाकी तुसीं नाल दी नाल आंसर देने की कोशिश करनी है ते इह क्लास तुसीं मॉक टेस्ट दे वजों देख सकदे हो। ठीक है जी, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेगे जिहड़े इस क्लास दे विच आपां लैके आए हां। इन्हां दे विचों अगलियां शिफ्टां दे विच क्वेश्चन पुछे जा सकदे नेगे। तो पहले ही क्वेश्चन दे वल चलदे हां, ज़्यादा समां आपां नहीं खराब करांगे क्लास दे विच। तो देखो पहला क्वेश्चन हैगा, तख्त श्री दमदमा साहिब पंजाब दे किस जिले दे विच है। इत्थे जिला पुछा गया तख्त श्री दमदमा साहिब का। ठीक है जी, तो पिछलियां शिफ्टां दे विच भी तख्त साहिब दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन बने ने, तो यह भी तुसीं जरूर पढ़ के जाना है। यह है जी, देखो तख्त श्री दमदमा साहिब पंजाब दे किस जिले दे विच है, बठिंडा जिले दे विच। ठीक है जी, बठिंडा जिले दे विच। जेकर स्थान पूछ लिया जाए किस स्थान दे उत्ते है, तो तलवंडी साबो तुसी ने याद कर लेना। तलवंडी साबो पैंदा बठिंडा जिले दे विच। ठीक है जी, तो यह जिला पूछा सी तां जिला होएगा बठिंडा। ठीक है जी, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन देखो। सैकेंड क्वेश्चन है जिहड़ा 19वीं नैशनल फैडरेशन कप जूनियरस U20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप जिहड़ी होई सी 2021 दी जुलाई अगस्त दे विच। ठीक है, जुलाई अगस्त 2021 दे विच जिहड़ी होई, किस शहर दे विच इसनू आयोजित किया गया सी। इह किया गया सी आयोजित इसनू संगरूर दे विच। ऑप्शन बी राइट आंसर हैगा। ठीक है जी, संगरूर दे विच इसनू आयोजित किया गया एथलैटिक्स चैंपियनशिप जिहड़ी 2021 दी जुलाई अगस्त 2021 दे विच इसनू आयोजित किया गया सीगा। उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन, 2022 दीआं चोणां दे विच आम आदमी पार्टी ने पंजाब दीआं 117 विधानसभा दीआं सीटां दे विचों डैश उत्ते जित हासिल कीती। तां देखो 117 विधानसभा हलके ने पंजाब दे विच, 117 दे विचों किन्ने विधायक चुन के भेजे गए ने, इदां कह सकदे आ, यानी कि किन्ने इहनां दे कैंडीडेट जितते ने, तां उह 92 जित के गए ने। ठीक है, 92 नूं चुन के पंजाब दे विधानसभा दे विच भेजिया गया। तां विधानसभा दे जिहड़े 117 हलके ने, ठीक है, उन्हां दे विचों 92 सीटां दे उत्ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की है। तो पहलां दीआं जिहड़ियां शिफ्टां ने उन्हां दे विच भी इहनां दे आपां कह सकदे मैंबरस दे विचों आम आदमी पार्टी दे, तां क्वेश्चन पुछे गए ने, इह भी तुसीं जरूर पढ़ के जाए। हो सकदा आपणे याद होवे, पर इदां जदों आपां ने किसी ना पढ़िया होवे आपां सौखा करके छड्ड दिंदे आ, तां हो सकदा पेपर दे विच थोड़ा कप उलझ जाइए, तां करके जरूर इस नूं पढ़ के जाए। उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हैगा, हरी क्रांति दे पहले पड़ाव दौरान किस राज विच नवी खेतीबाड़ी रणनीति सीगी जिहड़ी उसनू लागू करना वधेरे सफल रहा। तो आपां कहिंदे हुंदे आ कि हरी क्रांति जदों पंजाब दे विच आई तां उसने सारे मुल्क दा ढिड भरिया। ठीक है, मुल्क तो इलावा बाहर भी आपां जेकर गल करिए तां कित्थे ज़्यादा आपां कह सकदे हां कि सफल रही, तां उह रही पंजाब दे विच। ठीक है, पंजाब दे विच। तां राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब दे विच वधेरे सफल रही जिहड़ी हरी क्रांति सीगी। तां उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन, पंजवां क्वेश्चन हैगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ हेठ लिखियां दे विच्चों किसका हिस्सा बनदियां हन, किसका हिस्सा यह बनदियां ने नीलगिरी पहाड़ियाँ ने जिहड़ियां पछमी घाट दी। तां राइट आंसर ऑप्शन सी है, पछमी घाट। ठीक है जी, उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन छेवां, तां एक रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस कर लिओ, तां कि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे ते वीडियो नूं लाइक भी प्लीज़ जरूर करके जाए। उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन हैगा, एसिड अटैक पीड़ितां दे लई जदों फेस दे उत्ते कह सकदे हां कि एसिड सुट्टिया होवे किसी दे, उहनां दे पीड़ितां दे लई पंजाब वित्ती सहायता स्कीम हैगी जिहड़ी, एसिड पीड़ितां लई पंजाब वित्ती सहायता स्कीम तहत एसिड अटैक पीड़ितों को कितना महीनावार मुआवजा दिता जाता है, कितना मुआवजा दिता जाता है। तुम स्कीमों के इसको पढ़ सकते हो सकता है शिफ्ट के स्कीमों के क्वेश्चन यह बने, तो यह इसका राइट आंसर होएगा 8000। ठीक है जी, 8000 यह मुआवजा महीनावार दिता जाता है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पंजाब के किस जिले के स्थित है, पंजाब के किस जिले के पैंदा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये है जी पठानकोट दे विच, पठानकोट जिले दे विच ये पैंदा गा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है जी, उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन, तां ये मंदिरां दे विचों भी क्वेश्चन ज़्यादातर जां मंदिरां दे विचों मसीतां दे विचों मज़ार जां मकबरियां दे विचों क्वेश्चन बनते रहे हैं जां किलियां दे विचों, ये चीज़ां भी तुसीं अपने ध्यान दे विच जरूर रखनियां ने। उस तों बाद नैक्सट क्वेश्चन आठवां,
श्री गुरु रामदास जी किथे ज्योति ज्योत समाए। श्री गुरु रामदास जी किस स्थान के उत्ते किस शहर के ज्योति सो ज्योत समाए सीगे? वो है जी गोइंदवाल साहब। ऑप्शन सी राइट आंसर हैगा, गोइंदवाल साहब के ज्योति ज्योत समाए श्री गुरु रामदास जी चौथे पातशाह। ठीक है जी। उस तो बाद नौवां क्वेश्चन, तो एक रिक्वेस्ट तुहाडे अगे होर है कि प्लीज़ जेकर तुसी तुहाडा किसी भी शिफ्ट दे विच एग्जाम हुंदा है तो प्लीज़ उसका एनालाइसिस साडे नाल जरूर शेयर करया करो। एक लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दिता है, उस लिंक दे उत्ते क्लिक करके तुसी साडे वट्सएप नंबर दे उत्ते सीधा पहुँच सकते हो। तो नाल ही तुसी जदों भी तुहाडा किसी शिफ्ट दे विच एग्जाम हुंदा है तो प्लीज़ साडे नाल जरूर शेयर करया करो कि तुहाडा एग्जाम किस तरह का रहा है। तो तुसी होर भी तुहानू किसी तरह की कोई डाउट आउंदी है तो तुसी साडे वट्सएप नंबर दे उत्ते जा सकते हो, लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दिता है। जदों तुसी उस दे उत्ते क्लिक करदे हो तो सीधा साडे वट्सएप नंबर दे उत्ते पहुँच जाऊंगे। नौवां क्वेश्चन, हेठ दित्तियां दे विचों किहड़े कांग्रेस सैशन दे विच जवाहर लाल नहरू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिहड़ी कांग्रेस है उसके प्रधान बने सीगे? तां किहड़े आपां कह सकते हैं कि कांग्रेस के किहड़े सैशन दे विच? ओह है जी लाहौर सैशन दे विच। ठीक है, तो यह लाहौर सैशन कदों होया सीगा? यह होया सी 1929 दे विच। जेकर डेट आपां देखिए 29 दसंबर, ठीक है जी, 29 दसंबर 1929 लाहौर सैशन सीगा जिहड़ा। इस दे विच जवाहर लाल नहरू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान बने, तो इन्होंने आप कह सकते हैं पूर्ण आजादी की जिहड़ी मंग का मता सीगा वह पेश किया सी इस दे विच। ठीक है, उस तो बाद अगला क्वेश्चन की है दसवां, इन्हां विचों केड़ी श्रीलंका की सरकारी भाषा है? श्रीलंका की सरकारी भाषा इन्हां दे विचों है जी सिनहाला। सिनहाला तुसी इसका जिमें भी नाम याद कर सकते हो, स्पैलिंग याद कर लो। ठीक है, हो सकता तो शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा जाए। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन, पुआध का खेत्र पूछा जा पुआधी बोली का खेत्र कह सकते हो तुसी कि पुआधी कित्थे बोली जाती है? इन्हां दे विचों आपने ये चूज़ करने बटाला, सुल्तानपुर लोधी, खरड़ जा जलालाबाद। राइट आंसर किहड़ा हैगा? खरड़ दे विच पुआधी बोली जाती है, जां पुआध दा इलाका भी आपां कह सकते हैं, जां फिर इदां भी कह सकते हैं कि पुआधी बोली दा इलाका, इत्थे पुआधी बोली जाती है खरड़ दे विच। नैक्सट क्वेश्चन बारवां, भारत विच इन्हां विचों किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 दे विच बंगाल की वंड की सी? बंगाल की वंड जिद्दां पंजाब दीआं वंडां हुंदीआं रहीआं ने, बंगाल दे नाल भी यही चीज़ हुंदी रही हैगी। तां देखो जिहड़ी बंगाल की वंड हैगी किहने कीती? लार्ड कर्जन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लार्ड कर्जन ने। जुलाई कह सकते हो 1905 आपां दित्ता, जुलाई 1905 दे विच, तुसीं इसनूं भी नोट कर लो जी। ठीक है, जुलाई 1905 दे विच इस दी वंड हुंदी हैगी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन 13वां, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकारी बीमा योजना, ठीक है, ये भी स्कीम का क्वेश्चन है। कार्यकारी बीमा योजना का जिहड़ा सालाना प्रीमियम है वह किन्ना हैगा? सालाना, ठीक है, बीमा आप कह सकते हैं वो है जी 200 रुपए। ठीक है, राइट आंसर 200। पंजाब सरकार द्वारा जिहड़ी स्कीम शुरू की गई आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकारी बीमा योजना, उसका प्रीमियम है जिहड़ा ईयरली कह सकते हैं आप, सालाना कह सकते हैं 200 होगा। उस तो बाद अगला क्वेश्चन 14वां, अंग्रेजी अते विदेशी भाषावां दी यूनीवर्सिटी हेठ लिखे राज्यां दे विचों किस दे विच स्थित है? तां कित्थे होएगी जिहड़ी आपां कह सकदे आ यूनीवर्सिटी है जिहड़ी अंग्रेजी अते विदेशी भाषावां दी यूनीवर्सिटी है? तां ओह कित्थे है जी? ओह है जी तेलंगाना दे विच। ऑप्शन डी राइट आंसर है, तेलंगाना दे विच है अंग्रेजी अते विदेशी भाषावां दी यूनीवर्सिटी। तां नैक्सट क्वेश्चन 15वां, तां देखो एक की हैगा अपना प्लेलिस्टां बणीआं होईआं ने, एक मॉक टैसट दी, एक करंट अफेयर दी, तो एक हैगी एनालाइसिस की जिहड़े भी पेपर हुण तक शिफ्टां दे विच होए ने, उस तो इलावा एक जनरल अवेयरनैस की प्लेलिस्ट है। इन्हां तिन्नां नूं तां जाके तुसीं जरूर जरूर हुणे देख लो, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं इन्हां दे विच, ते जेकर टाइम है तो तुहाडे कोल तुसीं जनरल अवेयरनैस वाली भी देख सकते हो, इस दे विच होर भी ज़्यादा चांस बन जाणगे क्वेश्चन आने दे। इन्हां तिन्नां नूं तां तुसीं जरूर जाके देख लैणा, इन्हां दे विचों क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे ही मिलणगे पेपरां दे विच, ते हुण तक शिफ्टां दे विच पुछे भी गए है। तो तुसीं चैनल दे प्लेलिस्ट वाले सैक्शन दे विच चले जाणा, उत्थे तुहानूं प्लेलिस्टां इह सारियां ही देखण नूं मिल जाणगियां, मॉक टैसट वाली, करंट अफेयर वाली, तो जिहड़ा पेपर का एनालाइसिस है। इन्हां तिन्नां नूं तां तुसीं हर हाल दे विच जाके देखो, उस तो इलावा तुसीं जनरल अवेयरनैस वाली भी देख सकते हो, इहदे विच भी तुहानूं कंटेंट मिल जाएगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो 15वां, पंजाब का सब तो वध साखरता वाला जिला किहड़ा है? साखरता दर वाला यानी कि लिटरेट जिहड़े लोग नेगे किस जिले के ज़्यादा ने, प्रतिशत आपां ने दसणी है। तो यह है जी होशियारपुर। होशियारपुर, होशियार लोग,
ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ 84.6 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 84.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 61.8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਧ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 16, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ POSH, ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ POSH ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 17, ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ 18, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਆਬਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ 19, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 20, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਮਕਬਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ 20 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।